हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनिक एसिड के बारे में देखिए सल्फोनिक एसिड्स एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा अब यहाँ पर आर या तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है अब देखिए सल्फोनिक एसिड्स को डिराइव करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन को यूनिवेलेंट सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है देखिए ये हो गया हाइड्रोकार्बन जब इसका एक हाइड्रोजन सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो सल्फोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है अब बात करते हैं इनके नॉमिन की तो देखिए कॉमन नेम में इनको एल्काइल सल्फोनिक एसिड्स कहते हैं और आई नेम की बात करें तो एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड्स को एल्केन सल्फोनिक एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स को एरिन सल्फोनिक एसिड के फॉर्म में लिखा जाता है अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल सल्फोनिक एसिड क्योंकि इससे मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसका आईयूपीएसी नेम मिथाइल सल्फोनिक एसिड हो जाएगा अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें सल्फोनिक ग्रुप के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल सल्फोनिक एसिड और इसका आयु नेम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे और इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सी और एक सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड और आई नेम हो जाएगा फोर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप फोर्थ पोजीशन से अटैच है अब बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के स्ट्रक्चर की तो देखिए सल्फोनिक एसिड का जो सल्फर होता है वो टेट्राहेड्रल सेंटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है मीन्स इससे तीन ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम अटैच होता है देखिए ये हो गया सल्फोनिक एसिड का टेट्राहेड्रल सेंटर अब इससे एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन अटैच ये हो जाएगा मिथेन सल्फोनिक एसिड का बॉल स्टिक मॉडल अब सल्फोनिक एसिड में सल्फर किस तरह से बॉन्ड बनाता है तो पहले बात करते हैं सल्फर की ग्राउंड स्टेट की तो देखिए ग्राउंड स्टेट में सल्फर का ल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 होता है जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो दो इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाते हैं अब सल्फोनिक एसिड में सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है अब इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी के जो तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो तीन ऑक्सीजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 3D के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते हैं देखिए यहाँ पर सल्फर के डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है इसलिए इसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की तो देखिए पहले बात करते हैं एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड के फॉर्मेशन की इसमें पहला मेथड हो जाएगा सल्फोनेशन ऑफ तो देखिए जब एन हेक्सेन की रिएक्शन सल्फर ट्राई के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल देखिए जब थायोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से सल्फोनिक एसिड बनेगा इसी तरह से अगर थायोल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डाई एल्काइल डाई का फॉर्मेशन होगा और इसके ऑक्सीडेशन से थायोसल्फोनेट एस्टर का फॉर्मेशन होगा और इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो डाइसल्फोन सल्फोन का फॉर्मेशन होगा और इसके ऑक्सीडेशन से सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट हो जाएगी स्ट्रेकर रिएक्शन देखिए इस रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड को जब सोडियम सल्फाइड के साथ हीट किया जाता है तो सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइट टू देखिए जब एल्किस की रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट के साथ ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड की परजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है अब ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू प्रोसीड होती है या इसको हम फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं अब बात करते हैं सल्फोनिक एसिड के प्रिपरेशन की। तो पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए जब बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और टोलियन की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो पैराटोलियन सल्फोनिक एसिड और ऑर्थोटोलियन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा पैरा प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा और ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर अमाउंट में बनेगा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम फ्यूरेन देखिए जब फ्यूरेन की रिएक्शन पायरिडीन और सल्फर ट्राई के साथ करवाई जाती है तो फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है अब बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो देखिए एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड्स कलरलेस लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स की बात करें तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका नेचर हाइली हाइग्रोस्कोपिक होता है मींस ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं अब सल्फोनिक एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड का नहीं होता है। अब देखिए करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं और सल्फोनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस की वजह से डायमेरिक फॉर्म नहीं बनती है अब सल्फोनिक एसिड्स नॉन-वॉलेटाइल होते हैं और नियर बॉइलिंग पॉइंट डीकम्पोज हो जाते हैं अब अगर इनका अंडर हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं तो उस केस में ये इसमें नहीं होते हैं अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की तो पहला पॉइंट हो जाएगा एसिडिक नेचर देखिए सल्फोनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं मीन्स एक्वस सोल्यूशन में इजीली h+ डोनेट कर देते हैं और ये h2so4 जैसे स्ट्रांग होते हैं देखिए ये हो गया सल्फोनिक एसिड जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये h+ यहाँ से रिलीज कर देगा तो इससे सल्फोनेट आयन और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा अब देखिए सल्फोनेट आयन की बात करें तो उसमें ये तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं और जो सल्फोनेट आयन है वो इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से जो सल्फोनेट आयन है वो स्टेबल होता है इसीलिए सल्फोनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अगर सल्फोनिक एसिड्स को कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स सल्फोनिक एसिड से वीक होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं देखिए किसी भी आयन के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और सल्फोनेट आयन के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसलिए सल्फोनेट आयन कार्बोक्सिलेट आयन से ज्यादा स्टेबल होगा और इसी वजह से सल्फोनिक एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं अब सल्फोनिक एसिड्स एसिडिक नेचर की वजह से को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज कर देते हैं देखिए सल्फोनिक एसिड जब एनएच के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा और सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है फिर पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड देखिए जब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है तो सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और सल्फोनिक एसिड जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है अब सल्फोनिल क्लोराइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एल्काइल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन होता है और सल्फोनिक एसिड को जब एल्कोहल के साथ बेस की परजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो सल्फोनिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रेट देखिए जब सल्फोनिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और सल्फोनिक एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एरिन सल्फोनिक एसिड देखिए सल्फोनिक एसिड एक, एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होता है इसी वजह से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सल्फोनिक एसिड को एक वैल्यूबल रिएजेंट माना जाता है Means इसकी हेल्प से हम कई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं अब देखते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस पहला पॉइंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन एनएच NAH के साथ इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा मींस यहां पर जो सल्फोनिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो गया फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप देखिए जब सोडियम एरिन सल्फोनेट की रिएक्शन सोडामाइड के साथ इस टेंपरेचर पर करवाई जाती है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप

हाइड्रोजन इसको हम डीसल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं देखिए जब एरिन सल्फोनिक एसिड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन देखिए अगर सल्फोनिक ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ ऑर्थो या पेरा पोजिशन पर प्रेजेंट होता है तो वो हेलोजन से इजीली रिप्लेस हो जाता है जैसे सल्फेनिलिक एसिड की बात करें तो इसमें सल्फोनिक ग्रुप NH2 ग्रुप की पैरा पोजिशन पर प्रजेंट है जब इसके रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा और 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप देखिए जब सल्फोनिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर प्रजेंट होता है तो उस केस में ये सल्फोनिक ग्रुप नाइट्रो ग्रुप से इजीली रिप्लेस हो जाता है देखिए जब फोर हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड की प्रजेंस में करते हैं तो फोर हाइड्रोक्सी थ्री फाइव नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसका फर्दर नाइट्रेशन जब नाइट्रिक एसिड की प्रजेंस में करते हैं तो ये सल्फोनिक एसिड नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और टू फोर सिक्स ट्राई का फॉर्मेशन होगा जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं